पब्लिक का विश्वास पुलिस के अंदर क्यों नहीं था कि अगर कोई पैसा मांग रहा है, कोई पैसा ले रहा है, तो पुलिस क्यों खामोश थी और जनता पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्यों नहीं जा रही थी शिकायत लेकर? ये सबसे अहम सवाल हम पुलिस से पूछना चाहते हैं कि अचानक आप भी बैठे थे 2019 को जब खालिद गुड्डू साहब एनसीपी छोड़कर आए हैं, 15 साल से वो एनसीपी के अंदर थे, तब है तो पूरे बहुत दूध के धुले हुए थे। एमआईएम के अंदर आने के बाद ही ये सारे केसेस आप पुराने जो है वो अपने जितने भी उनके कार्यकाल के अंदर हुए हैं वो केसेस आज आप हमारे नाम के ऊपर बिल फाड़ रहे हैं कि एमआईएम का ये है। मुझे बताइए, इतने सारे कंप्लेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि साहब इतने कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ, इतने लोग आ रहे हैं, तो बोला साहब बहुत अच्छी बात है, उसमें आपका डिपार्टमेंट के पास पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्या वजह थी आपके कमिश्नर के पास नहीं जा रहे थे, क्राइम ब्रांच पे नहीं जा रहे थे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास नहीं जा रहे थे, कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रहे थे? अब पुलिस कहती है कि नहीं साहब, देवी सिंह के ऊपर मामले है करके। देवी मामले एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं जब 2014 के अंदर राजनीति के अंदर आया तो मामूली किसी को थप्पड़ मारने का भी गुनाह मेरे ऊपर नहीं था। एक सादी एनसी मेरे ऊपर नहीं थी, आज मेरे ऊपर भी 10 गुना है और उसमें एक गुना जो है वो मेरे ऊपर डकैती का गुना है। डकैती का गुना कैसा है? तो मैंने एक शराब की दुकान बंद करवाया था, शराब की दुकान वाले ने है तो पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे गल्ले में से 235 रुपये गायब हो गए हैं, तो डकैती का केस किया। तो हमने तो पुलिस वालों को कहा था कि आप करिए, ऐसे ऐसे केसेस करिए, हम अदालत पे लड़ेंगे करके। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दबाएंगे, आप किसी तरह से जितने भी हमारे मजलिस के फॉलोवर्स हैं उनको आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाह रहे हैं, 2016 के अंदर अगर किसी ने पैसा मांगा था तो उसने शिकायत लेकर आया क्यों नहीं था? पुलिस इतनी निकम्मी क्यों थी? पुलिस उस वक्त अगर कार्रवाई करती थी तो हमको भी समझ में आता था। ये अचानक आने के बाद आपको 50,000 रुपये के लिए मेरे हिसाब से कम 200 पुलिस वाले आ गए थे, पूरा छावनी की तरह से आपने ये कर डाले थे। कितने आरोपियों को पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह से जुलूस निकाल कर है तो कोर्ट लेकर गए या पुलिस स्टेशन लेकर गए, जहां पर भी पुलिस ने इसका जवाब देना, और अगर नहीं देती है हम लिखित रूप के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के थाने, पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर करेंगे, हम विधानसभा के अंदर करेंगे, और जो जो भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ जहाँ पर भी जो जो प्लेटफॉर्म नज़र आएगा हम उसके अंदर शिकायत करेंगे। हम कहीं पर भी किसी गलत काम का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने आरोप लगाया है आप उसको सिद्ध करिए, हम आपको सर आंखों के ऊपर उस फैसले का, अदालत का जो भी फैसला आता है हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अचानक आप 15 दिनों के अंदर आप इस तरह के केसेस लेकर आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पुलिस ने तय कर लिया है कि ये खासदार है आके हमारे ऊपर पिसते हैं तो हमसे सवाल कर रहा है, तो 8 दिन के अंदर तो मेरे ऊपर भी 10 केसेस बना सकते हैं कि इम्तियाज जलील ने तो इनसे 50,000 मांगा था, इनसे 10,000 मांगा था। एक लड़की को खड़े कर दिया जा सकता है कि साहब इन्हें मिली थी 2014 के अंदर, इनके ऊपर बलात्कार का केस रही। ये सवाल यही पैदा हो रहा है कि पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास क्यों नहीं था थाने की? या तो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप जब थे तो आप ये सब चीज़ें हैं तो इसकी सुरक्षा आप पुलिस डिपार्टमेंट देता था कि नहीं आप लोग करिएगा, आपको जो करने का है खुली छूट है आप करिएगा करके। हम इसके अंदर साफ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ये पूरी साजिश के पीछे एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और इसका इस्तेमाल जो है पुलिस डिपार्टमेंट को किया जा रहा है। और राजनीति का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक मंत्री इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है, समाजवादी पार्टी के लीडर्स इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने इस दिन, जिस दिन ये हुआ था उस दिन एक ट्वीट किया था कि अगर हमसे कोई टकर, क्या है वो ट्वीट का, तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, हमारा ये कहना है कि हम हारेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जो भी होगा उसमें, लेकिन आप हर वक्त सिर्फ इस तरह के नज़रिए से देखेंगे कि नहीं साहब एमआईएम मजबूत हो रही है, मुमरा में मजबूत हो रही है, भिवंडी में मजबूत हो रही है, तो उनको किसी तरह से कुचला जाए। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप वर्दी में होंगे, हम पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करते हैं, मैं खुद पुलिस कमिश्नर साहब को, एडिशनल कमिश्नर साहब को पर्सनली जानता हूँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अच्छे ऑफिसर्स हैं,
लेकिन मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को कहा कि सर आप इस कैबिन के अंदर बैठे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपका नीचे का अधिकारी क्या कर रहा है, क्या इसका इल्म है आपको, क्या आपका क्राइम ब्रांच का PI क्या कर रहा है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, यह आपको पता है? पुलिस डिपार्टमेंट की भी जवाबदेही होती है। पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि हम वर्दी के अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी कानून है, जो कानून मेरे लिए बना है वही कानून पुलिस डिपार्टमेंट